पूरे भारतवर्ष में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभ आरंभ हो चुका है पीएम नरेंद्र मोदी के तहत। इस मिशन में आपको जो है एक हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा जिनके द्वारा आप ये चेक कर सकते हैं कि इन फ्यूचर में अगर कोई भी आप बीमारी आपका होता है तो आप यहाँ पे कौन से डॉक्टर के साथ दिखाए थे, क्या आपका बीमारी का नाम क्या था और कौन सी बीमारी का क्या क्या आपने दवा लिया था, यानी कि आपका सारा डिटेल जो है डिजिटल तरीके से हेल्थ यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा इस कार्ड के अंतर्गत। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत जो भी हेल्थ कार्ड बनते हैं उसको कैसे आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये आप मोबाइल से भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस पेज पे आ सकेंगे। तो जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यहाँ पे है, उसके बाद नीचे में देखिए क्रिएट योर हेल्थ आईडी नाउ, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जनरेट बाय आधार। तो अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हेल्थ आईडी क्लिक हियर पे, ठीक है। तो मेरा आधार में मोबाइल नंबर लिंक है इसीलिए हम जनरेट बाय आधार पे हम क्लिक करेंगे। आपका जो है अपना आधार नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे, उसके बाद आधार नंबर इंटर करने के बाद इस पेज को आप ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद यहाँ पे मैं सहमत हूँ टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ पे भी आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो ऐसा करने के बाद आपके आधार नंबर पे जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है यहाँ पे ओटीपी आएगा और ओटीपी इंटर करने के बाद उसके बाद सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम ओटीपी इंटर कर चुके हैं, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। और ऐसा करने के बाद आपको जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे रखना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे, उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और जो भी आप अभी मोबाइल नंबर दिए हैं उसमें एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम ओटीपी दे चुके हैं, उसके बाद सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके आधार में जो भी डिटेल है सारा डिटेल आधार से ले लिया जाएगा, जैसे कि फ़ोटो और यहाँ पे नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक आपको PHR एड्रेस बनाना पड़ेगा, जिस तरह से आप भीम UPI ID बनाते हैं, जिस तरह से आप email ID बनाते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपना नाम लिख के भी आप ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ पे इस नाम से कोई PHR एड्रेस है या नहीं है। अगर नाम से अवेलेबल होगा तो यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ओके यहाँ पे बन चुका है, उसके बाद ईमेल एड्रेस हम यहाँ पे इंटर कर चुकेंगे। तो PHR नंबर जो है आप अगर नहीं ले रहा है तो कुछ डिजिट भी आप दे सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे करेक्ट हो चुका है इसीलिए हम अपना नाम ही रहने देते हैं। उसके बाद आप ईमेल एड्रेस यहाँ पे इंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो हेल्थ कार्ड जो है यहाँ पे जनरेट हो चुका है, योर हेल्थ आईडी कार्ड हैज़ बीन जनरेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा हेल्थ कार्ड है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं योर हेल्थ आईडी यहाँ पे आपका दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड अगर आप करना चाहते हैं डाउनलोड हेल्थ आईडी कार्ड पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेरा डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद ओपन बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये मेरा हेल्थ आईडी यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो दोस्तों आप इसी तरीके से अपना हेल्थ कार्ड जो है यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत ये बनाया जाता है उसके अंतर्गत जो बनाया जाता है वो आप यहाँ पे बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं, आप अपने खुद से भी मोबाइल से भी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, तो अगर इस चैनल पर आप नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप फॉलो कर सकते हैं और डिस्प्ले पे भी आ रहा होगा। अगर कोई मन में सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।